अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इस वीडियो में हम लोग जो है अपडेट कमांड पढ़ेंगे जिसके जरिए हम डेटा को अपडेट करते हैं और डिलीट करना भी सीखेंगे हम डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने टेबल्स में लेकिन इस कमांड में हमें वेयर क्लॉज की जरूरत है अगर वो वीडियो आप लोगों ने पुरानी वाली मेरी नहीं देखी है तो आप उसको देख लें और अगर देख लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि पे मेरे पास किय टेबल मौजूद है मैं अगर फर्स्ट करें इसमें नंबर नाइन पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उसमें फर्स्ट नेम मैं उसका अपडेट करना चाहता हूँ तो, अपडेट का कीवर्ड है हमारे पास आगे टेबल का नाम आएगा एम्प्लॉइज फिर सेट का कीवर्ड उसके बाद यहाँ पे हमें जितने भी कॉलम्स अपडेट करने हैं हम उन सबको स्पेसिफाई करेंगे और उनकी वैल्यू सेट करेंगे तो फर्स्ट कर मैं सिर्फ जो फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल कोर्स में इसको क्योंकि ये रहा है तो मैं सिंगल कोर्स में यहाँ पे लिखूंगा इसको कॉमा से हम सेपरेट करेंगे कॉलम नेम्स को और फर्स्ट का मैं सैलरी भी जो है इसकी अपडेट कर रहा हूं अच्छा यहां पे मेरे पास जो सैलरी है वो भी बार चार फील्ड है तभी तो मैं इसको आ, सिंगल कोर्स में लिख रहा हूँ अगर इंटीजर वगैरह होती तो हमें कोर्स की जरूरत तो नहीं थी अच्छा ये हमारी जो है क्यूरी तैयार हो गई यहां पे लेकिन अगर हम अभी इस क्यूरी को रन करते हैं तो हम यहां बता नहीं रहे कि कौन सा रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है तो अब क्या होगा अगर मैं रन करूंगा अपडेट तो अभी भी करेगा एरर नहीं देगा कोई लेकिन इम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड मौजूद हैं उन सब का फर्स्ट नेम और सैलरी जो है ये फर्स्ट नेम मार्क के बराबर हो जाएगा और सैलरी फाइव थाउजेंड डॉलर के बराबर हो जाएगी लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते हम लोग जो है सिर्फ एम्प्लॉय आई डी नाइन का रिकॉर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे तो वेयर एम्प्लॉय आई डी टू नाइन तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे वन रफेक्टेड होगा ये अब सेलेक्ट करते हैं दोबारा से देखें नंबर नाइन पे हमारे पास रिकॉर्ड जो है अपडेट हो चुका है अच्छा अगर मेरी जो वेयर कंडीशन है यहाँ पर वो मल्टीपल रॉस को सेटिस्फाई कर रही होती तो मल्टीपल रॉस जो है मल्टीपल रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाते हैं यहाँ पे लेकिन हमने कंडीशन यहाँ पे ऐसी स्पेसिफाई करी है जो कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को यहाँ पे सेटिस्फाई uh, कर रही है तभी हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो सपोज करें यहाँ पे जो है मैं अगर चाहूँ कि जिन एम्प्लॉयज की यहाँ पे सैलरी हमारे पास टू uh, थाउजेंड से जो है कम है उनकी जो है सैलरी थ्री थाउजेंड हो जाए इज लेस देन टू थाउजेंड तो उनकी सैलरी जो है हम इक्वल कर दें अच्छा टू थाउजेंड डॉलर यहां पे हम इसको ऐसे ही स्पेसिफाई करेंगे तो इसको हम कर दें उन सबकी सैलरी को थ्री थाउजेंड कर दें तो इसमें जो है सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें काफी सारे हमारे पास रिकॉर्ड हैं जिनकी सैलरी जो है टू थाउजेंड से कम है बल्कि इसको हम ऐसा करते, है, 5000 करते हैं फाइव थाउजेंड कर देते हैं और यहाँ पे इसकी सैलरी हम जो है टेन कर देते दे। हैं ज्यादा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे क्योंकि काफी सारे हमारे पास टू थाउजेंड से ऊपर रिकॉर्ड है यहाँ पे तो अगर अब मैं इसको रन करूँ यहाँ पे तो देखें फोर्टी रॉज इफेक्ट हो गए क्योंकि फोर्टी हमारे पास एम्प्लॉयज थे ऐसे जिनकी सैलरी जो है फाइव थाउजेंड डॉलर से कम थी तो अब उनकी सैलरी जो है टेन थाउजेंड डॉलर हो चुकी है अगर हम सेलेक्ट करें हम इसको तो हमारे पास देखें काफी सारे एम्प्लॉयज़ की अब हमें टेन थाउजेंड सैलरी दिख रही है अब इसी तरह जो है हमारे पास डिलीट की कमांड है डिलीट की कमांड हमारे पास जो है रॉस डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है हम डिलीट लिखेंगे फ्रॉम और आगे टेबल का नाम आएगा हमारे पास इम्प्लॉयज टेबल और इसमें हम लोग जो है कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कौन से रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो अगर मैं यहाँ पे जिन एम्प्लॉय की आई जो है फर्स्ट करें फिफ्टी फाइव इसको डिलीट कर रहा हूँ अब हमारे पास देखें फिफ्टी फाइव रिकॉर्ड पे ये मैडी मौजूद है हम इसको अगर यहाँ पे आप रन करेंगे तो देखें वन वाई फैक्ट हो मेडी हमारे पास यहाँ से अब रिमूव हो चुकी है इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंप्लॉय आईडी जिन जिनकी लेस देन है 10 से, वो सब डिलीट हो जाए तो वही मल्टीपल हमारे जो कंडीशन है हमारी उसने मल्टीपल रॉस को सेटिस्फाई करा है तभी तो हमारे पास नाइन रॉस यहाँ पे इफेक्ट हुई हैं इस कमांड से तो नाइन हमारे पास एम्प्लॉय डिलीट हो चुके हैं तो अब मैं देखूंगा देखिए हमारे पास सारे टेन से बड़ी इंप्लॉय आईडी जिनकी वो एम्प्लॉयज मौजूद हैं यहाँ पे बाकी सब डिलीट हो चुके हैं तो ये हमारे पास अपडेट और डिलीट कमांड्स ही है आप सबको समझ आ गई होंगी लेकिन अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई सवाल पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज